फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। और जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा, बाहर जश्न चल रहे हैं और सुबह के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया मैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे तक पहुंच जाऊं मरीन लाइन, तो फटाफट रेडी हो जाता हूं, क्योंकि आज नया साल है। तो आज जब उधर से मैं वापस 12 बजे 1 बजे लौटूंगा दोपहर में, तो उसके बाद घर पे जो मंदिर है मैं दिखाता हूँ। आज अच्छे से सफाई करूँगा, पूजा करूँगा यहाँ पे, उसके बाद मंदिर जाऊँगा। ये पैसे बचे हैं मेरे पास, और क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे थे इसलिए मैं कहीं गया नहीं कहीं सेलिब्रेट करने। तो फिलहाल तो ये 20 रुपये हैं, इनसे मैं अंधेरी के लिए बस लूँगा। और ये 10 रुपये, इन दोनों से मैं चर्च गेट से अंधेरी और अंधेरी से चर्च गेट का टिकट लूँगा। नए साल पे अच्छा हो यही विश करूँगा, और आज इसी नई उम्मीद के साथ शो स्टार्ट करूंगा। फिलहाल फटाक से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि देखो 7:05 हो चुके हैं, 7:45 हो गए। बट भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी बस डिपो की तरफ, बस के इंतजार में खड़ा हूँ। और आज लेट हो गया, अभी मुझे मरीन लाइन पे होना चाहिए था, इसलिए नींद खुली नहीं। आज 2023 का पहला दिन है और 2023 का पहला शो करने जा रहा हूँ। आप सबकी विशेष चाहिए कि सब अच्छा हो। बस आ गई, बस आ भी गई और बस चली भी गई। आज जब मुझे जल्दी पहुँचना है तो आज बस भी नहीं मिल रही है। 20 मिनट हो गए यहाँ पे वेट करते हुए, और पता नहीं कितने देर वेट करना पड़ेगा। बस मिल गई है फाइनली, और डिपो में ही बस लगी हुई थी। बात है कि 9:30 हो चुके, बट अभी भी काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। अब फटाफट सेटअप लगाता हूँ, सेटअप लगा के ऑन करता हूँ और कोशिश करूँगा कि 12 बजे तक रहूँ। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आने वाली। Happy New Year.
मोटिवेशन की वजह से हाँ मैं आगे निकल गया। आज मैं 5,000 से लेकर 5,000 करोड़ तक की किसी भी प्रॉपर्टी का हाथ रख दूँ वो मेरी हो और उससे जुड़ा हर इंसान मेरा होगा। पर ये उठो दोनों भागों ने मुझे किया इंसान मना कर। आज मैं अपने सलाम से बाहर निकलता हूँ और अगर किसी ने मेरी गाड़ी से आगे एक बाइक वाले ने अगर ओवरटेक करने की कोशिश की तो मन कर तक गाड़ी चलाए तो मार दूँ उसे कुचल दूँ। मरीन लाइन खाली हो रहा है। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। शुरू में बहुत इंतज़ार करना पड़ा लेकिन बाद में ऑडियंस आई और अप्रिसिएशन भी मिला, थोड़े पैसे भी मिल गए। मैं अब घर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे 5 रुपये कम पड़ रहे थे। बट अभी हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ बस पैकअप कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अभी पुलिस आई और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप करो, और ये बहुत अच्छी बात है कि साल के पहले दिन आप काम कर रहे हो और काम करके आप नया साल मना रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पुलिस मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि वो सुनते ही नहीं, तो इन्होंने सुना और अप्रिशिएट किया तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है। एक हो रहे और चर्च गेट आ गया हूँ। अब यहाँ से अंधेरी गनीमत है कि पैसे हो गए वापस जाने के, नहीं तो इधर ही फंस जाता। फाइनली आ गया बरसवा विलेज और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं पता कि क्या बोलूं कि आज कैसा दिन था। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था, अच्छा भी था। और दलिया ले लिया है मैंने, अभी जाकर बनाऊंगा खाऊंगा। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। जिस तरीके से लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है वहाँ पे और आप सबके जैसे कमेंट्स आ रहे हैं और जैसा प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है जैसे मुझे छोड़कर सबको मेरी कामयाबी दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। हाँ ये काम करने में मज़ा आ रहा है नो डाउट, बट इस कंडीशन पर जाकर ये अब और नहीं हो रहा है। मतलब 22 साल होने को हैं इस कंडीशन पे रहते हुए। इनमें से ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे। आप सब अपना ख्याल रखें और हैप्पी न्यू ईयर अगेन सबको, एंजॉय करें। और अभी घर जाकर तय करूँगा कि आज शाम को क्या करूँ। चलिए बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।